नमस्ते स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नेम डीप वाटर। और ये चैप्टर नंबर जो है बच्चों आपका 10वें नंबर का चैप्टर है फ्रॉम द बुक रेनबो, ठीक है। और कहानी तो नहीं कहूंगा इस चैप्टर को, एक्चुअल में आत्मजीवनी है। आत्मजीवनी का मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी, मतलब जब कोई व्यक्ति अपने जीवन पर खुद लिखता है, अपने जीवन के जो रियल इंसिडेंट होते हैं उनको जब वो लिखता है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। एक बड़ी सी बुक होगी ऑटोबायोग्राफी में, तो उसमें से एक छोटा सा पार्ट लिया गया है डीप वाटर नाम से, ऐसे के नाम से। और इसके जो राइटर हैं वो आगे और बता दूंगा खैर मैं आपको, विलियम ओ डगलस, शॉर्ट में लिखा है मैंने डगलस, ठीक है। तो एक रियल अकाउंट है। चैप्टर का नाम डीप वाटर ही क्यों पड़ा, गहरा पानी ही क्यों पड़ा, विल सी इन द चैप्टर। चैप्टर में देखेंगे कि डीप वाटर ही क्यों पड़ा, ठीक है, और रियल अकाउंट कैसे है। देखिए, आपके और मेरे जीवन पर सब पर लागू होता है ये चैप्टर। कैसे लागू होता है सर, देखिएगा। ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, ठीक है, ये जो आपको वर्ड या फ्रेज दिख रहा है इसका ट्रांसलेशन मत कीजिए आप। ये वर्ड इसलिए लिखा है मैंने यहां पर, आत्मजीवनी का नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है इस चैप्टर में, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। इस बड़े सी आत्मजीवनी से एक छोटा सा हिस्सा उठाया है, क्या नाम है, डीप वाटर, छोटा सा, ठीक है। कहानी का कोई अंश है, लेखक की कोई इंसिडेंट का अंश है जीवन का। और चैप्टर पढ़ाने से पहले हर बार की जगह, हर बार की तरह आई एम गोइंग टू डिस्कस द बेस ऑफ दिस स्टोरी, कि कहानी का बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है। तो देखिए, फोबिया ऑफ वाटर, फोबिया जानते हैं डर। यहां पर राइटर जो रहता है विलियम डगलस, उसको पानी से डर लगता है, और ऑब्स्टिनेसी भी दिखाता है, वो थोड़ा जिद्दी भी है, वो जिद दिखाता है। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय दिखाता है, टू ओवरकम इट, ओवरकम का मतलब है जीत पाना। तो देखिए, बेसिकली हमारे जीवन में, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ फियर होता है, हम ज्यादातर हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन विलियम डगलस वन ऑफ दोस पर्सन, उन व्यक्तियों में से एक है, हु कैन नॉट एक्सेप्ट हिज डिफीट, जो अपनी गलती को, सॉरी, अपनी हार को स्वीकार कर नहीं सकता। तो वो जाता है अपने पानी पे, पानी के डर पर कैसे काबू पाते हैं इस कहानी में हम देखने वाले। फॉर फन थोड़ा समझाने के लिए हमने एक इंसिडेंट को चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश करी है। देखिये, ये विलियम और डगलस है, ये छोटा सा बच्चा था, यहाँ पे 10-11 साल का है ये, पूरा कहानी में बताऊंगा क्या इंसिडेंट था। और ये जो आपको दिख रहा है ये 18 साल का एक लड़का है, विलियम डगलस पूल के पास में बैठा था, इसको तैरना नहीं आता। ये लड़का विलियम डगलस को उठा के पानी में फेंक देता है, और ऑब्वियसली विलियम डगलस को तैरना नहीं आता, तो वो क्या बोलेगा, सेव मी, सेव मी, या खुद ट्राई करेगा। तो क्या होता है पूरी कहानी में हम देखेंगे, और चैप्टर का नाम डीप वाटर क्यों पड़ा, कुछ ना कुछ तो आपको आइडिया मिल चुका होगा। क्या डगलस अपने डर पर काबू पाएगा, हम ये भी चैप्टर में देखेंगे। और इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं, चलिए देखिएगा। देखिए, विलियम डगलस पहली लाइन में ये बोल रहा है, इट हैपन्ड, यह हुआ, मतलब एक घटना घटी विलियम डगलस के साथ। जब विलियम डगलस अभी कितने साल का है, प्रेजेंट में ध्यान रखना, ही वॉज 10 to 11 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। विलियम डगलस कितने साल का है, 10 से 11 साल का है, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं, शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। विलियम डगलस 10-11 साल का है, और विलियम डगलस जाता है एक जगह पर, आपको याद रखना है YMCA, ये क्या चीज है, ये पूल का नाम है, पूल, स्विमिंग पूल, ठीक है। और YMCA जो पूल है, याकिमा, ये जगह एक YAKIMA, याकिमा जगह पर पड़ता है। याकिमा एक प्लेस भी है, और आपको ध्यान रखना है एक रिवर भी है, ठीक है, नदी का नाम भी याकिमा और एक प्लेस का नाम भी याकिमा है। तो यहां पर आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेस, याकिमा एक स्थान है, वहां पर YMCA पूल पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर क्या लेने जाता है राइटर, ध्यान रखना, लर्न टू स्विम, कि उसे तैरना सीखना है, क्या करना है, उसे तैरना सीखना है। कितने साल का है, 10-11 साल का है। और YMCA पूल ही क्यों चुनता है वो, ये समझिए आप, Why does the writer choose the YMCA pool to learn to swim? तो आंसर देखिए आप, जो बच्चों YMCA pool है ना, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर, जो इसका पहला कोना है, या आप बोल दो जो इसका
स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो 2 या 3 फीट गहरा है। कितने फीट? 2 या 3 फीट गहरा है, विलियम डगलस बताता है ये खुद, ठीक है। और जो इसका एंड है, दूसरा कोना है, लास्ट एंड है, वो है 9 फीट गहरा। किसका? YMCA पूल का। तो आप एक चीज बताइए, यदि आपको तैरना नहीं आता तो आप यहां मरने जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना 9 फीट की तरफ, तो आप स्टार्टिंग में तैर लेंगे। तो दैट इज वाई विलियम डगलस चुनता ये सेफेस्ट पूल है, यहां मैं तैर सकता हूँ, सीख सकता हूँ, ठीक है। 2 या 3 फीट गहरा है ये पूल, ठीक है। तो YMCA पूल क्यों चुना गया, आपको जवाब मिल गया होगा। फिर आगे देखिए, इस टाइम विलियम डगलस कितने साल का है? 10-11 साल का। मैंने एक चीज अभी आपको बताई, YMCA एक पूल भी और YMCA एक नदी का नाम भी है। तो अब नदी की बात कर रहा हूं, देखिएगा, याकिमा रिवर। याकिमा रिवर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा आपको, थ्रेचरस। ये वर्ड याद भी नहीं रहे तो ये वर्ड याद जरूर रखना, डेंजरस, ठीक है। याकिमा रिवर बहुत डेंजरस थी, ये विलियम डगलस तो नहीं समझ सकते, 10-11 साल का है, बिल्कुल छोटा बच्चा है। लेकिन इसकी जो विलियम डगलस की कौन थी? मदर थी। वो क्या देती थी विलियम डगलस को? वार्निंग देती थी। क्या वार्निंग देती थी? नॉट टू गो, मत जाओ नियर। किसके पास मत जाना? याकिमा नदी के पास मत जाना। रीजन समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजन समझिए। माया से क्यों बोलती थी? माया से इसलिए बताती थी क्योंकि वहां पर ड्राउनिंग इंसिडेंट हो चुके, ड्राउनिंग मतलब डूबने के, बहुत सारी घटनाएं कहां पे हो चुकी? याकिमा नदी में। मतलब कई लोग वहां पर अपने लाइफ को क्या कर चुके? लॉस्ट कर चुके, हार चुके, मर चुके। मैनी पीपल डाइड बाई ड्राउनिंग, डूब कर, कहां पर? याकिमा नदी में। तो इसलिए उसकी मम्मी वार्निंग देती थी, वहां मत जाना, ठीक है। इसलिए विलियम डगलस ने क्या चुना? YMCA पूल, क्योंकि वो क्या था? तैरने के लिए सेफेस्ट प्लेस था, ठीक है। ये तो रही 10-11 साल की प्रेजेंट की बात, ऐसे बता रहा है विलियम डगलस। अब सुनना, देखो बच्चों, डर एकदम से नहीं बैठता है, कुछ कारण होता है डर बैठने का। तो क्या कारण था विलियम डगलस के जीवन में, देखिए। अब विलियम डगलस थोड़ा फ्लैशबैक में जा रहा है, अभी 10-11 साल की बताई। अब विलियम डगलस ध्यान रखना कितने साल का है, 3 to 4 years old, कितने साल का है? 3-4 साल का है विलियम डगलस, ठीक है। विलियम डगलस छोटा सा बच्चा समझिए, 3-4 साल का, गोज विथ हिज फादर। किसके साथ जाता है? अपने पिताजी के साथ। ध्यान रखना कहां जा रहा है वो, कैलिफोर्निया बीच। कहां जा रहा है विलियम डगलस? कैलिफोर्निया बीच, आप जानते हैं तट को बोलते हैं, ये कैलिफोर्निया पड़ता है बच्चों यूएसए में। कहां पड़ता है? अमेरिका में। बीच पे अब क्या होता है, आप सब जानते हैं, समझदार है, एक वेव आती है, लहर आती है। आपकी बुक में वर्ड लिखा हुआ है सर्फ। क्या लिखा हुआ है? सर्फ लिखा हुआ है। एक वेव आती है, एक लहर आती है। विलियम डगलस किस पोजीशन में, समझिएगा, 3-4 साल का है, हंग कर रखा है, लटक रखा है, कहां पर? ऑन टू हिज फादर, फादर्स शोल्डर। किसके कंधे पे लटका हुआ है विलियम डगलस? अपने पिताजी के कंधे पर लटका हुआ है। एक बड़ी सी क्या आई वहां पर, लहर आई, और जैसे लहर आई तो देखिए लहर ने क्या करा, बरिड कर दिया, पानी में डुबो दिया। किसको? विलियम डगलस को। सर कैसे? पहले लहर आई, नॉकडाउन करा, नॉकडाउन मतलब गिरा देना। विलियम डगलस को गिराया, और जैसे गिरा, 3-4 साल का बच्चा, वो पानी में डूब गया, और जो लहर थी स्वेप्ट ओवर, क्या हो गई? विलियम डगलस के ऊपर आकर चली गई। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, 3-4 साल का लड़का, उसके ऊपर से पानी पूरा निकल जाए, तो डेफिनेटली उसके माइंड में, उसके मन में किसका डर बैठेगा? पानी का। तो यहीं से 3-4 साल का था विलियम डगलस के माइंड में पानी का डर बैठ गया। और पिताजी का जो रिएक्शन था, पिताजी तो मैच्योर है, बड़े हैं, छोटा सा बच्चा इतनी सी लहर समझ गए बिल्कुल लो। तो पिताजी तो क्या कर रहे थे, ही वॉज लाफिंग, हंस रहे थे, और इन्होंने क्या किया, विलियम डगलस को पिकअप किया, ऊपर उठाया। लेकिन विलियम डगलस की तो बैंड बज चुकी थी, आप समझ गए, ठीक है। तो देखिएगा, तो समझे, 3-4 साल का था जब से उसके मन में डर बैठा। अभी कितने साल का है? 10-11 साल का। कहां जा रहा है? YMCA पूल में, ठीक है। वापस प्रेजेंट कंडीशन में लेके आ रहा हूं, देखो वापस। विलियम डगलस कितने साल का है?
दस ग्यारह साल का, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेट्स चेक इट आउट। ओके, दिख रहा है। तो विलियम डगलस कितने साल का है? 10-11 साल का है। और 10-11 साल में ये कहां पर है? मैंने अभी बताया आपको YMCA पूल में। तैरना नहीं आता तो विलियम डगलस ने क्या किया? देखो वहां पर और भी कौन आते थे? बॉयज आते थे जिनको तैरना आता था। इन बॉयज की विलियम डगलस क्या करता था? नकल करता था। नकल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमिटेट। क्या बोलते हैं? इमिटेट। दूसरा वर्ड जो आपकी बुक में दे रखा है, एपिंग। विलियम डगलस इनकी नकल करता था। बस विलियम डगलस ने एक दो चीज ले रखी थी, वो क्या थी? वाटर विंग्स। वाटर विंग्स समझ गए होंगे, गोताखोर लगा के घूमते हैं तैरने के लिए, सीखने के लिए, एक तरीके से हमारे जैसे लोगों के लिए, हु डजंट नो हाउ टू स्विम, ठीक है। पानी के लिए वाटर विंग्स लिया तैरने के लिए, और भी जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो भी हो सकता है। तो ये वहां पर बच्चों को देखकर नकल करता था और क्या करता था? पैडल मारता था। जैसे साइकिल में पैडल मारते हैं वैसे पैडल मारा जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे विलियम डगलस बताता है, स्लोली स्लोली क्या हुआ कि गैदर्ड कॉन्फिडेंस। विलियम डगलस में अंदर क्या आ गया? कॉन्फिडेंस आ गया, आत्मविश्वास जाग गया। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सीधी सी बात है भाई। तो विलियम डगलस के थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, लेकिन अभी तक इसको पूरा तैरना नहीं आया, जस्ट बिगिनिंग है ये उसके लिए, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंडीशन है। अब देखो क्या हुआ, विलियम डगलस एक चीज बता रहे हैं, जैसे उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा तो विलियम डगलस बोल रहे हैं, एक मिस एडवेंचर, एक दुर्घटना हैपन, एक दुर्घटना घटी भाई। अब वो क्या दुर्घटना थी ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या दुर्घटना थी समझिए। एक दिन की बात है बच्चों, वन डे, ये जो आपका विलियम डगलस है, ठीक है, एक दिन की बात है, ये आपका विलियम डगलस है, मान लीजिए ये आपका विलियम डगलस है, ठीक है। ये बैठा हुआ है, ये कहां बैठा है समझिए, बिसाइड द पूल, बिसाइड या मेरे साइड ऑफ द पूल, इसके साइड में बैठा है, ये पूल के साइड में बैठा है, समझदार है भाई, 10-11 साल का है। अभी कितने साल का है? 10-11 साल का। क्यों बैठा हुआ है समझिए, वेटिंग। ये क्या कर रहा था? वेटिंग फॉर द अदर बॉयज, अकेला था अभी यहां पर ये। अरे सीधी सी बात है, he doesn't even know how to swim, तैरते कैसे जानता ही नहीं ना, तो वेट कर रहा है, अगर डूब गया तो nobody would be there, कोई होगा ही नहीं ना टू सेव हिम, इसको बचाने के लिए वेट कर रहा है, पूल में बैठा हुआ है। अब सुनो क्या हुआ, यहां पे एंट्री होती है एक बड़े से 18 साल के लड़के की, ठीक है। देख लेना इमेज, इमेज भैया इतना फोटो वोटो नहीं बनानी आती, बढ़िया सी, ठीक है। ये 18 इयर्स ओल्ड का लड़का आता है यहाँ पर, कितने साल का? 18 साल का। इसको ध्यान से समझना, 18 साल का जो लड़का था ना, इसका फिजिकल स्ट्रक्चर समझो आप, ब्रूसर बॉय। क्या आएगा आपकी बुक में लिखा हुआ? बिग ब्रूसर बॉय। ब्रूसर का मतलब होता है मुक्केबाज या रोबस्ट। रोबस्ट मतलब हट्टा कट्टा, स्ट्रॉन्ग मसल्ड वाला, बड़ा सा लड़का है 18 साल का, मसल्ड वाला, मसल्स वाला। दूसरी चीज, इसकी जो आर्म्स थे और इसके जो लेग्स थे, इस पर एक चीज दिख रही थी, रिपलिंग मसल्स। रिपलिंग का मतलब होता है उभरी हुई, वही हट्टा कट्टा बॉडी बनाया हुआ 18 साल का, रिपलिंग उभरी हुई मसल्स दिख रहे थे, ठीक है, इसके 18 साल के लड़के पर, ठीक है। और थिक हेयर थे, घने से क्या है? बाल है। कहां पर? ऑन द चेस्ट, इसकी छाती पर। तो क्या बताया मैंने, रिपीट करो, 18 साल का लड़का, ठीक है, और आर्म्स एंड लेग्स पर रिपलिंग मसल दिख रहे हैं, थिक हेयर है। ये 18 साल का लड़का आता है, ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए विलियम डगलस है, इसको ये उठाता है और उठाकर सीधा, ये मान लीजिए आपका YMCA पूल है, इसमें फेंक देता है। किसको उठाकर? विलियम डगलस को, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, नाउ यू कैन इमेजिन, जिस व्यक्ति को, बच्चे को तैरना नहीं आता, उसको यदि पानी में उठाकर फेंक दिया जाए, व्हाट वुड बी कंडीशन, उसकी कंडीशन क्या होने वाली है, तो समझिएगा। अब ये आपका मान लीजिए
डगलस है, विलियम डगलस है, कितने साल का इस टाइम? 10-11 साल का है। ये जैसे पूल में गिर रहा है तो सिटिंग पोजीशन में गिरा, कौन सी पोजीशन में? सिटिंग, जस्ट लाइक बाबा रामदेव, सॉरी फॉर दे फॉर इट, ठीक है, थोड़ा मजाक किया है बस, जस्ट ठीक है, सिटिंग पोजीशन में गिरा। और सिटिंग पोजीशन में गिरते हैं जब भी गुरुत्वाकर्षण का नियम लगता है, कि आप जानते हैं क्या होता है गुरुत्वाकर्षण के नियम में, सिटिंग पोजीशन में गिरा, सीधा कहां गया है? बॉटम ऑफ पूल, भारी चीज है भाई, सीधी कहां जाएगी? नीचे। बॉटम ऑफ द पूल में गया ये, चलो सर गया, और बॉटम ऑफ पूल में जैसे गया ये स्वेलो करने लग गया। स्वेलो मतलब क्या होता है? निगलना, स्वेलो वॉटर, पानी निगलेगा सीधा मुंह में जाता है, आप जानते हो स्विमिंग पूल में गए हो तो, ठीक है, पानी गया। और विलियम डगलस क्या हो गया? फ्राइटेंड, ही गॉट फ्राइटेंड, डर गया ये। लेकिन अब एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट बताने वाला हूं, विलियम डगलस यहाँ पे ये बता रहे हैं, यस ही वॉज फ्राइटेंड, हाँ वो डरे हुए थे, बट आउट ऑफ विट्स नहीं हुआ। मतलब आउट ऑफ विट्स का मतलब समझिए, यहाँ पर विलियम डगलस ने क्या बोला? फ्राइटेंड हुआ, डरा, लेकिन आउट ऑफ विट्स नहीं हुआ। आउट ऑफ विट्स का मतलब होता है कि बुद्धि का काम नहीं करना, मतलब विलियम डगलस का माइंड वॉज स्टिल वर्किंग, अभी भी क्या कर रहा था? काम कर रहा था। किसका माइंड? विलियम डगलस का। हो सकता है बॉडी काम नहीं कर रही हो, क्यों? ही डजंट इवन नो हाउ टू स्विम, ठीक है, तो माइंड काम कर रहा है, एक प्लान है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। देन विलियम डगलस वॉज गोइंग, जब विलियम डगलस जा रहा था बॉटम ऑफ द पूल, पानी के नीचे पैंदे में, तो उसने एक प्लान बनाया। क्या प्लान था समझिए, तीन चार स्टेप में बता रहा हूं। पहली स्टेप वुड, सेंटेंस बना लेना, मेक। विलियम डगलस ने सोचा वुड मेक अ बिग जंप, क्या लगाएगा? एक बड़ी सी छलांग लगाएगा। कब लगानी है विलियम डगलस को? जब इसके जो पैर होंगे हिट द बॉटम, बॉटम मतलब पैंदा स्विमिंग पूल का, जब विलियम डगलस के पैर बॉटम को टच करेंगे तो बड़ी सी क्या लगाएगा? छलांग लगाएगा। और छलांग जैसे लगाएगा कहां जाएगा ये? ऑन द सरफेस, सतह पर। किसकी सतह पर? पानी की सतह पर आ जाएगा। कौन? विलियम डगलस। और जैसे ये विलियम डगलस पानी की सतह पर आएगा, इसने प्लान बना रहा है ये, लाइव फ्लैट, फ्लैट जानते हैं समतल, फ्लैट लेट जाएगा। और फ्लैट लेट के ये क्या करेगा? देखो पैडल मारेगा, वही तैरने की टेक्निक, पैडल मारेगा। और पैडल जैसे मारेगा फिर क्या करेगा ये? पैडल मारता मारता एज मतलब किनारे, एज ऑफ पूल आ जाएगा। अब मेरे को आप एक चीज बताइए, विलियम डगलस 10-11 साल का बच्चा, उसे तैरना नहीं आता, प्लान बनाना तो वो ये ना बीरबल की खिचड़ी, ठीक है भाई, बड़ी सी छलांग लगाऊंगा, पैर जैसे टच करेंगे बॉटम में, छलांग लगा क्या करूंगा? सतह पर आ जाऊंगा, फ्लैट लेट जाऊंगा, पैडल मार के पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा। तो कितना आसान लगता है सुनना, लेकिन जो व्यक्ति इस चीज को करेगा, जिसको तैरना नहीं आता, उसको पता है उसके साथ क्या होगा, ठीक है।